नमस्कार, रात के 10 बजे हैं और मैं हाजिर हूं बिहार की 5 प्रमुख खबरों के साथ। पहली खबर पटना से है। वैसे तो पटना में पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे शहर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यह नदी अभी अपने खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने आज पत्रकारों को बताया कि पुनपुन नदी का बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय है। वैसे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि 10 इंजीनियरों की एक टीम नदी के बांध की निगरानी के लिए तैनात कर दी गई है। पटना SSP गरिमा मलिक ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पटना सुरक्षा बांध और पुनपुन नदी के रिंग बांध पर पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। भारी जल जमाव से जूझ रहे पटना शहर में अब महामारी का खतरा पैदा हो गया है। पटना के कई इलाके जैसे राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, बहादुरपुर और मछुआ टोली में अभी भी 5 से 6 फीट पानी जमा है। इन जमे पानी से अब बदबू आने लगी है। शहरवासियों के लिए सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है कि बारिश में जमे पानी में अभी दर्जनों जानवर मरे पड़े हैं। इनकी लाशों के सड़ने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। डेंगू का बढ़ता प्रकोप अलग चिंता का विषय बना हुआ है। एक जानकारी के अनुसार सूबे में अभी डेंगू के लगभग 545 मरीज हैं, जिनमें अकेले 350 पटना से हैं। यदि जल्दी से इस पर काबू नहीं पाया गया तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। आपत्ति की इस घड़ी में सभी लोग अपने अपने तरीके से लोगों की सहायता पहुंचा रहे हैं, लेकिन समस्तीपुर की एक नन्ही सी बच्ची ने अपने काम से सबका दिल जीत लिया है। बाढ़ पीड़ितों का दर्द देखकर 9 वर्ष की सिद्धि श्रेया को रहा न गया और उसने अपने पिगी बैंक को तोड़कर उसमें जमा अपनी सारी राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दी। श्रेया ने काफ़ी मेहनत से लगभग 11,000 रुपये जमा किए थे। यह नन्ही सी बच्ची समस्तीपुर से चलकर आई और अपने सारे पैसे उन्होंने पूर्व सांसद पप्पू यादव को सौंप दिए। यादव अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्ड चला रहे हैं। बिहार से राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव ने BJP और JDU के बीच फिर से खटास पैदा कर दी है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा की इस खाली सीट से JDU अपने एक नेता को राज्यसभा भेजना चाह रही थी, लेकिन अब चर्चा है कि BJP अपने नेता के लिए यह सीट चाहती है। खबरों के अनुसार दोनों दलों के बीच सहमति लगभग बन चुकी है और कल उम्मीदवार की विधिवत घोषणा हो सकती है। अब आखिरी खबर। BJP के पूर्व मंत्री और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव की कल जान जाते जाते बची। वैसे यादव तो चले थे अपने क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने, लेकिन प्रस्थान के पूर्व यादव अपनी जुगाड़ वाली नाव का वीडियो बनवाना नहीं भूले। इसी क्रम में उनके शरीर का संतुलन बिगड़ा और वे नदी में गिर पड़े। वो तो संजोग ठीक था कि लोगों का झुंड उनके साथ था, जिन्होंने उन्हें तत्काल खींचकर बाहर निकाला और उनकी